सभी कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रियाज आजमी साहब को समर्थन करने का ऐलान करते हैं। घबराहट बौखलाहट दिखा रहा है, हम जीत रहे, हम बीजेपी को हरा रहे, अब इनके खिलाफ एफआईआर होगा। एमआईएम पार्टी के वारिस पठान जमके भड़के उनका फेक वीडियो वायरल करने को लेकर। हाँ, आपको मैं दोनों वीडियो दिखाने वाला हूँ, किस तरह उनका फेक वीडियो वायरल किया गया और उस पर उन्होंने अपना रिएक्शन क्या दिया। क्योंकि आप सभी को पता हो कि आज इलेक्शन शुरू हो चुके, मतलब वोटिंग शुरू हो चुकी है, जहाँ पे वारिस पठान भी खड़े हुए। लेकिन ऐसे में होता क्या, वारिस पठान का एक फेक वीडियो वायरल कर दिया जाता जहाँ पे वो समर्थन दे रहे उनके सामने वाले पार्टी वाले को, मतलब समाजवादी पार्टी वाले को, ये बोल रहे कि वोट ना बढ़े इसलिए मैं समर्थन दे रहा हूँ। तो आप सबसे पहले वारिस पठान का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको उनका वीडियो दिखाने वाला जहां पे वो भड़कते हुए नजर आ रहे ये वीडियो खुल के। लेकिन आप सबसे पहले ये फेक वीडियो देख लीजिए। हमारे चाहने वालों से, एमआईएम के चाहने वालों से और एमआईएम के सभी कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रियाज आजमी साहब को समर्थन करने का ऐलान करते हैं। हमने भिवंडी के हालातों को देखते हुए फैसला किया है ताकि हमारा वोट आपस में न बटे। मैं सभी भिवंडी वासियों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में 5 नंबर साइकिल के निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट करें और रियाज आजमी को भारी मतों से कामयाब करें। आपका अपना भाई वारिस यूसुफ पठान, आप सबसे गुजारिश है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हाँ, तो आपने वीडियो देखी लाऊंगा और यकीनन आपको ये रियल लगाऊंगा। लेकिन वारिस पठान ने बोला कि फेक वीडियो, इसके खिलाफ मैं FIR करूंगा, इसके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। वो किस तरह भड़कते नजर आए, आप सबसे पहले उनका भी वीडियो देख लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया जा रहा है समाजवादी और हमारी दुश्मन सियासत पार्टियों के द्वारा। वो बता रहे हैं कि वारिस पठान ने समाजवादी को समर्थन दे दिया। टोटल फेक है, टोटल गलत है। ये पुराना मेरा वीडियो है जो उसमें उसकी बात भी नहीं थी, टोटल इन लोग ने एडिट करके फेक वीडियो चलाया है। ये इनका डर घबराहट बौखलाहट दिखा रहा है, हम जीत रहे, हम बीजेपी को हरा रहे, अब इनके खिलाफ FIR होगा। और इंशाल्लाह यकीन मानिए, जितने लोगों ने भी ये साजिश की है, कोई भी कैंडिडेट हो, उसको हम इलेक्शन कमीशन में जाकर डिस्क्वालिफिकेशन करवाएंगे इंशाल्लाह। मेरी अदबन गुजारिश है जनता से, पूरी भिवंडी की आवाम से, कि आप हिम्मत हौसला बनाए रखिए। वारिस पठान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत रही है, इसलिए ये जो गद्दार है कौम के, RSS वाले, जितने भी समाजवादी वाली पार्टी वाले, सब घबर गए, डर गए, ये फेक वीडियो बना के चला रहे, कितने चीटिंग कर रहे, सोचिए कितने बड़े गिरे हुए नीच लोग हैं। अब हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को लिख रहे हैं, उनको डिस्क्वालिफिकेशन की हम पूरी प्रतिक्रिया करेंगे इंशाल्लाह। वारिस पठान लड़ रहा है MIM से, किसी को समर्थन नहीं दिया है, हम लड़ रहे हैं और हम बीजेपी को हरा रहे हैं और हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। हाँ, तो आपने वारिस पठान का वीडियो देखी लेंगे, वारिस पठान ने किस तरह से अपना रिएक्शन दिया। लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आप किससे वोट करने वाले, जहाँ से वारिस पठान खड़े वहाँ पे आप किससे वोट करने वाले, वारिस पठान या किसी और को, कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ वोट देने जरूर जाइए, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है। तो आपने एक वोट की कीमत जानी और वोट देने जरूर जाइए।